पर्ल में व्हाइल और डू व्हाइल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में व्हाइल लूप, पर्ल में डू व्हाइल लूप। मैं उबंटु लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 का उपयोग कर रहा हूँ। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा। आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। पर्ल में फॉर और फॉरीच लूप्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा। कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल में व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कोड के ब्लॉक को निष्पादित करता है जबकि कंडीशन ट्रू होती है। व्हाइल लूप के लिए सिंटैक्स निम्न है: व्हाइल स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट। कोड का भाग निष्पादित होगा जब कंडीशन ट्रू है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अतः क्या होता है यदि कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है? फिर व्हाइल लूप कोड को निष्पादित किए बिना एक बार एग्जिट होगा। अब व्हाइल लूप का एक उदाहरण देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit whileloop.pl /ampersand और एंटर दबाएं। यह gedit में whileloop.pl फाइल खोलेगा। अब निम्न कोड को टाइप करें: /usr/bin/perl। एंटर दबाएं। $i=0; एंटर दबाएं। व्हाइल ओपन ब्रैकेट $i> = 4 क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट। एंटर दबाएं और टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट $i:(n) क्लोज डबल कोट सेमीकोलन। एंटर दबाएं। $i++ एंटर दबाएं और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। मैं व्हाइल लूप को विस्तार से समझाता हूँ। हमने जीरो पर वेरिएबल i इनिशियलाइज किया है। अब हमने व्हाइल लूप के लिए कंडीशन $i> = 4 निर्दिष्ट किया है। यदि कंडीशन ट्रू है, व्हाइल लूप के अंदर का कोड निष्पादित होगा, अर्थात पहली बार हमारा व्हाइल लूप टर्मिनल पर i:0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर $i++ वेरिएबल i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। अब फिर से लूप कंडीशन $i> = 4 का मूल्यांकन होगा और i की वैल्यू 5 होने पर लूप एग्जिट होगा। इस केस में व्हाइल लूप i = 0, 1, 2, 3, 4 के लिए निष्पादित होगा। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल s दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें perl-c whileloop.pl और एंटर दबाएं। निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी: whileloop.pl सिंटैक्स ओके। क्योंकि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, हम perl-whileloop.pl को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करेंगे और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। अब डू व्हाइल लूप देखते हैं। डू व्हाइल स्टेटमेंट हमेशा कम से कम एक बार कोड के भाग को निष्पादित करेगा। यह तब कंडीशन को चेक करेगा और लूप को दोहराएगा जब तक कंडीशन ट्रू है। डू व्हाइल लूप के लिए सिंटैक्स निम्न है: डू स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट, कोड का भाग निष्पादित होगा जब कंडीशन ट्रू होती है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, फिर स्पेस व्हाइल स्पेस ब्रैकेट्स में कंडीशन और फिर सेमीकोलन। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit dowhileloop.pl /ampersand
और फिर एंटर दबाएं। यह gedit में dowhileloop.pl फाइल खोलेगा। कोड के निम्न भाग को टाइप करें /usr/bin/perl एंटर दबाएं। $i=0 सेमीकोलन एंटर दबाएं। do space ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं टाइप करें print space डबल कोट value of i colon space $i/n क्लोज डबल कोट सेमीकोलन एंटर दबाएं $i++ सेमीकोलन एंटर दबाएं क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस while space ओपन ब्रैकेट $i>= 4 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। यहां डू वाइल लूप की विस्तार से व्याख्या है। हमने जीरो के लिए वेरिएबल i इनिशियलाइज किया है। पहली बार डू वाइल लूप बिना कंडीशन चेक किए टर्मिनल पर वैल्यू ऑफ i कोलन 0 आउटपुट प्रिंट करेगा। फिर $i++ वेरिएबल i की वैल्यू 1 से वृद्धि करेगा जब भी लूप निष्पादित होगा। दूसरी बार कंडीशन $i> = 4 चेक होगा। यदि कंडीशन ट्रू है लूप फिर से निष्पादित होगा। हमारे केस में दूसरी बार आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा वैल्यू ऑफ i कोलन 1। लूप तब तक निष्पादित होगा जब तक कंडीशन फॉल्स है अर्थात जब वेरिएबल i 5 हो जाता है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल s दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें perl-c dowhileloop.pl और एंटर दबाएं। निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी dowhileloop.pl सिंटैक्स ओके। जैसे कि यहां कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स नहीं है हम अब पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे। टाइप करें perl-dowhileloop.pl और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। अब व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बीच वास्तविक अंतर देखते हैं। टर्मिनल खोलें, टाइप करें gedit loop.pl/& और एंटर दबाएं। यह gedit में loop.pl फाइल खोलेगा। अब दिखाए गए कोड के भाग को टाइप करें। हमने एक वेरिएबल काउंट घोषित किया है और यह 0 पर इनिशियलाइज किया। व्हाइल लूप कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं यदि वेरिएबल काउंट 0 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू नहीं है अतः व्हाइल लूप कोड एक बार भी निष्पादित नहीं होगा। डू व्हाइल लूप में हम पहले कोड को निष्पादित कर रहे हैं और फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो कोड कम से कम एक बार निष्पादित होगा। फिर कंडीशन चाहे वेरिएबल काउंट 0 से बड़ा है यह चेक हो गया है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप एग्जिट होगा। अब फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स को चेक करने के लिए निम्न को टाइप करें perl-c loop.pl और एंटर दबाएं। निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी loop.pl सिंटैक्स ओके। जैसे कि यहां कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स नहीं है तो perl-loop.pl को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करते हैं और एंटर दबाएं। निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा I am in do while loop। यहां हम देख सकते हैं कि यहां कोई आउटपुट मैसेज I am in while loop प्रदर्शित नहीं हो रहा है। यह मैसेज था कि हमने while loop के अंदर क्या प्रिंट किया था। इसका अर्थ है कि
डू व्हाइल लूप कम से कम कंडीशन का मूल्यांकन करने से पहले निष्पादित होता है, जबकि व्हाइल लूप एक बार भी निष्पादित नहीं हुआ है जब कंडीशन फॉल्स निर्दिष्ट होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स के बारे में बस इतना ही। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके पर्ल में व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है, प्रिंट करें हेलो पर्ल, वेरिएबल की गणना 10 होने तक, व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स का उपयोग करके। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का प्रयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nme-ict-intro। आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।